नमस्कार व्यूअर्स अभी हमारे साथ अनामिका मौजूद है जिनकी एक काफ़ी लंबी जर्नी रही है और काफ़ी सारे चैलेंजेस रहे हैं लेकिन आज ये जज बन गई है जज बनने का ड्रीम इनका शुरू से ही था ख़ास बात ये है कि हिंदी जॉनर से है ये तो उसमें फर्स्ट है हिंदी में और वैसे अगर रैंकिंग की बात करें तो सिक्सटीन रैंक इनकी आई है अनामिका पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और किस तरीके से ये सफ़र आपका शुरू हुआ और आप फाइनली अपने एम को आपने पा लिया आ, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने पूरे परिवार को जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया है जिसकी वजह से मैं आज जज बन पाई और इसके बाद में सभी गुरुजनों का सपोर्ट होता है और साथ होता है तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा कुछ कुछ फ्रेंड्स रहे हैं जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है और उनका भी तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और जर्नी के स्टार्ट की बात करूँ तो दो में मैंने जब एल कंप्लीट की थी तो तभी से ही मेरा मन था कि मुझे जज बनना है और स्टार्टिंग की बात हो जाए तो पापा पहले से ही कहते थे कि यहाँ पर जो स्तंभ हैं तो पापा एक्चुअली मेरे पापा थोड़ा पत्रकारिता में भी रहे थे स्टार्टिंग में तो पापा कहते थे कि या तो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है एग्जीक्यूटिव होता है न्यायपालिका होता है या फिर पत्रकारिता होता है तो पापा पत्रकारिता में थे और वकीलों का भी ना बहुत रोल होता है ऐसे बोलते थे तो मैंने वकालत की उनको सुनते हुए इसके बाद में पता चला कि भाई न्यायपालिका का तो सबसे ज़्यादा रोल है तो हमने ठान लिया कि जज ही बनेंगे अब और जज बनने के लिए तैयारी स्टार्ट की थी सेल्फ स्टडी की थी थोड़ा कोचिंग के लिए इतना ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था कि मैं कोचिंग कर पाऊँ क्योंकि कोचिंग की जो फीस होती है तो वो दो ढाई लाख रुपए है और यहाँ से मुखर्जी नगर आने जाने में भी टाइम लगता है और इन्हीं सब दो से गुजरते हुए मैंने पहला अटैम्प्ट दिया दो में उत्तर प्रदेश सिविल जज का लेकिन उसमें सेल्फ स्टडी से ही किया था लेकिन उसमें कुछ कारण रहे ऐसे कि कुछ मेरी ही कमियाँ रही मैं ये कहूँगी तो मेरा सिविल जज में नहीं हो पाया मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया इसके बाद मैंने दोबारा से स्टार्ट की अपनी जर्नी को और 2020 में स्टार्टिंग कर दी थी मैंने फिर से लेकिन कोविड की वजह से बिहार के फॉर्म आ गए थे 2020 में कोविड की वजह से प्री नहीं हो पाया था काफ़ी लेट हुआ फिर मेन्स भी जाके कोविड की वजह से दो के जुलाई में हुआ फाइनल फिर रिजल्ट आया मेन्स का दो में और फिर इसके बाद में मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल हो गया और इसी बीच में हम लोग बहुत ज़्यादा कंडीशन हमारी फाइनेंशली फ़िज़िकली मेंटली बहुत ज़्यादा ख़राब चली मेरे भाई की तबीयत खराब हुई मेरे जीजू की तबीयत ख़राब हुई तो उस टाइम पे मतलब पैसा भी ऐसा हो गया था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे क्योंकि सारा प्राइवेट हॉस्पिटल में हम पैसा लगा चुके थे लेकिन करना था मुझे लगन थी मुझे मेरा मानना था कि परेशानियाँ कितनी भी आए, आएंगी लेकिन मुझे करना है